इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखो विष्णु पुराण क्या कहते हैं, हिमालय समारभ्य यावदिंदु सरोवरम, हिमालय समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तथा सिंधु सरोवर तक, सिंधु सागर तक जो भूखंड है यह हिंदुस्थान। हिंदुस्थान माने जो हिंसा से दूर रहने वाले लोग, पवित्र लोग हैं, उनका एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, अपवित्रता नहीं। मन मस्तिष्क ठीक किया जाए। अभी क्या है, उत्पाती उत्पात करे तो कोई नहीं बोलता है, और सज्जन थोड़ा भी सज्जनता में आ जाता है तो सब चिल्लाने लगते हैं। तो समय गया, समय चला गया। साधुता उतनी जितनी हमारी भारतीय संस्कृति स्वीकार करती है। ऐसा नहीं कि हमारे दरवाजे से निकलने के लिए आप खूंटा गाड़ के रखोगे, हम अगल बगल देख के जाएंगे। नहीं, खूंटा उखाड़ेंगे और तुम्हारे दरवाजे पर ले जाके गाड़ेंगे। क्यों, हमको रोके, अब तुम निकाल के दिखाओ। उत्पात नहीं। देखिए, हमने किसी को त्रास नहीं दिया, हमने किसी का निरादर नहीं किया। इस भारतवर्ष में हमको अथवा आपको सबको भारत की जो अस्मिता है, भारत के जो मान बिंदु हैं, भारत का जो गौरव है, उसके स्मरण के साथ जीना पड़ेगा, तभी भारत माता हमको प्यार करेगी। माँ माँ होती है, माँ से बड़ा भगवान भी नहीं है। इसलिए भगवान को पहले माँ कहा। भारत माँ, भारत हमारी माँ है, माता करो प्यारा, करना इसी की पूजा, कर्तव्य है हमारा, भारत हमारी माँ है, माता करो प्यारा। माँ माँ, भगवान शिव कैलाश से चलकर आए। कहाँ आए, श्री अवध आए। क्यों आए, भगवान का दर्शन करने आए। वो साकेदाधिपति श्री अवध में, पालने झूल रहे हैं। दर्शन करने आए, भुसुंडी जी संगम है। दर्शन कर गए, जो आया बधाई गाया, और जिसने जो चाहा वही पाया। महाराज गजरथ तुरग है मगो हीरा दीन है नृप नाना, मन संतोष सब निकल सकल तनय चिर जी बब तुलसी। सारे लाल नामकरण हुआ, राम भरत छोटे भैया शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण जी महाराज, हृदय में विचार करके गुरुदेव ने नामकरण किया है और कहा, राजन आपके चारों पुत्र वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्त भागवतों के सर्वस्व हैं, शिव जी के तो प्राण तत्व हैं। प्राण क्या है, जिसको खोया नहीं जाए हो, जिसके बिना रहा नहीं जाए। शिव प्राणा बाल केल रसी तेहि सुख माना।
अब भगवान का शिशु विनोद प्रारंभ हुआ। नाना विधि शिशु विनोद के कोई पद तो किसी को नहीं सुनना और ना हम आगे बढ़ जाएंगे और उत्सव निकल जाएगा, फिर आप कहोगे तो फिर नहीं गाएंगे। प्रसंग के प्रतिकूल पद नहीं गाते, जिसको सुनना है बता दो। ए माधव बेटा, मम्मा देखो क्या कह रही हैं, कोई पद उनको सुनना है तो बताओ, मुझे स्मरण है वो। हाँ आप लोग बोलो भैया, हाथ उठाए थे। हाँ कौन सा पद बताइए। इस प्रसंग के मेरे पास 50 पद हैं, कौन गावे बताओ, दुई गाई सके थे। हाँ बोल दो बेटा, हम समझ जाएंगे, बोल दो ऐसे। आ जाओ आ जाओ। क्या मम्मा कह रही। अच्छा ठीक है, अभी लेते हैं। हाँ तो हाँ देखिए, मेरी एक समस्या है, मैं प्रसंग के साथ बहता हूँ, आगे चला गया तो मैं पीछे नहीं गा सकता, मेरी एक अपनी नीति न्याय है। आपको जो भी इस प्रसंग में सुनना है मुझे बोल दीजिए, मैं उसको ले लूँगा। हाँ बोलिए, डरिए नहीं, डरिए नहीं, बोलिए। नहीं तो आप सुनिए, जो हमारी बहन जी ने भाव रखा है, और बड़ा लंबा और बड़ा प्रिय पद है। ओ भगवान को सब लोग अपने अपने प्रकार से मानते हैं। ये पद मैं कम ही गाता हूँ, जो बहुत कोई आग्रह करता है तो गाता हूँ। बहुत दिन बाद पिछली दो कथाओं में गाया है। क्या है, हम भक्तों के तो ये भगवान हैं, पर जब भगवान लीला अवतार लेते हैं, लीला स्वरूप धारण करते हैं, तो लीला में भगवान को संबंधों के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। है तो सब इनका दिव्य, तो भगवान का अवतार भया, और किसको कैसा लगा ये पद सबका भाव रखकर सुन, सुनिए सुनिए, बहुत अच्छा है। आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार। रघुबर सरदार हंसते हंसते आया श्यामल सरकार, हंसते हंसते सरकार।
त्याग आया भक्त ने अनुराग आया तपस्वी का सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया सामल सरकार हंसते हंसते किसी का भगवान का ध्यान आया भगवान शंकर का ध्यान आया वेदों का सार हंसते हंसते आया सामल सरकार हंसते हंसते आए बाहर हंसते हंसते सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के प्रगटे दशरथ कुमार हंसते हंसते आया सामल सरकार हंसते हंसते आई साकेत आया परिकर को संग लाया तज के साकेत आया परिकर को संग लाया भई जय जयकार हंसते हंसते आया सामल सरकार हंसते हंसते आई बाहर भगवान से कोई हमारा संबंध दृढ़ होना चाहिए। जहां आप अपने को मान लो वहां सरकार को जान लो।
हम आप कहाँ जाते हैं? जहाँ हमारा संबंध होता है। जहाँ संबंध नहीं होता है वहाँ आदमी चाह के भी नहीं जाता है, रास्ते से निकलेगा। कई बार मन में भी आता है, हो लेते हैं, अरे ठीक है चलो चलते हैं, फिर कभी आएंगे। परंतु जहाँ संबंध होता है वहाँ हम जाते ही हैं। कई लोगों की समस्या है, भगवान सबसे मिलते हमसे मिलते नहीं। नहीं, भगवान मिलना चाहते, हम ही नहीं मिलना चाहते। क्योंकि हम हर बात अपने प्रकार से चाहते। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।